खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनीपत बार एसोसिएशन के आंदोलन के समर्थन में कई दिनों से कोर्ट में वर्क सस्पेंड कर रही गोहाना बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने मंगलवार को क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। क्रमिक अनशन पर बारी बारी से 5 अधिवक्ता बैठेंगे। यह क्रमिक अनशन 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दिन के लिए अधिवक्ताओं की प्रदेशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। आज हमारी हड़ताल का 14वां दिन है। हमारी हड़ताल एसपी साहिबा के खिलाफ है, जो हमारे सोनीपत बार के प्रधान अपनी बिटिया के लिए जो खेल में पार्टिसिपेट करती है, उनकी नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उनको 0.2 mm के लाइसेंस के लिए आर्म लाइसेंस की बनवाना था। उसके रिगार्डिंग जो प्रधान है वो एसपी साहिबा से लगातार 3 महीने से उनके पास जाते रहे इस काम के लिए, लेकिन लास्ट में एसपी साहिबा ने उनको बदतमीजी के साथ गेट आउट बोला और अब शब्द करके उसकी पेशगी की है। तो एक बड़ी ही शर्मनाक घटना है, इतने बड़े अहदे की ऑफिसर होकर और एक वकील साथी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, ये दर्शाता है कि एक आम पब्लिक के आदमी के साथ कैसे व्यवहार होंगे। इसके रिगार्डिंग लगातार 14 दिन से हमारी हड़ताल चल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि फौरन एसपी साहिबा का तबादला किया जाए तथा हमारी बार रूम सोनीपत बार रूम में जो डीजे साहब द्वारा बार रूम के अंदर एक दीवार बनवाई गई है, उस दीवार को हटाया जाए तुरंत। और जो वकीलों के खिलाफ सोनीपत बार के प्रधान के खिलाफ मुकदमे तथा दूसरे वकीलों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाए वो वापस लिए जाए। इसके संबंधित 6 तारीख तक हमारे क्रमिक अनशन पर वकील साथी बैठे हुए हैं और 6 तारीख को हरियाणा पंजाब तथा पूरी यूटी में हमने कॉल की है। सभी बारे हरियाणा यूटी और पंजाब की सारी बारे 6 तारीख को हड़ताल में रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ये जो क्रमिक अनशन है आमरण अनशन में भी बदल सकता है तथा यह हड़ताल गंभीर रूप ले सकती है। हमारी मांगे जो सोनीपत के एसपी साहब है उसका तुरंत प्रभाव से तबादला किया जाए और जो हमारे बार सोनीपत बार के प्रधान हैं दैया साहब उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो वापस लिया जाए और जो हमारे बार रूम के पीछे दीवार खींची गई है उसको तुरंत तोड़ा जाए, हटाया जाए वहाँ से, और वो हमारा अधिकार है, वो हमारी है। और जो ये हमारी मांगे हैं, ये सरकार आज हमारा 14वां दिन है, इस पर कोई गौर नहीं करी, ना विपक्ष का कोई नेता हमारे पास आया है, ना सरकार का कोई पक्ष से कोई बातचीत के लिए आया है। हम चाहते हैं कि सरकार वकीलों की जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द मांग के इसका समाधान।